चरतल में हुई व्यापारी मुकेश की हत्या का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। इस सिलसिले में पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज बीजू जॉर्ज जोसफ चरतल पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम पर फीडबैक लिया। इस दौरान जोसफ ने बताया कि पुलिस मुस्तैदी से हथियारों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हथियारों को गिरफ्तार किया जाए। ज्योति एक ब्लाइंड केस था, लेकिन पुलिस काफी सीसीटीवी फुटेज एक्सेस कर पाया, उसके आधार पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है और जम एनालिसिस और टेक्निकल रूप से भी मुलजिम तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अभी तो सबसे पहले एक्शन ये होगा कि इस वारदात को खुलवाना है, मुलजिम को पकड़वाना है। उसके बाद जो अगर यहाँ पर नफरे बढ़ाना है, प्रेजेंस बढ़ाना है, एक्टिविटी बढ़ाना है, विजिबिलिटी बढ़ाना है, इस तरह के पॉइंट्स पर हम करेंगे। चरतल में व्यापारी मुकेश की हत्या पर अलवर जिला व्यापार महासंघ ने खंडेलवाल धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा रखी। इसमें 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान महासंघ अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने हत्यारों को 16 तारीख तक नहीं पकड़े जाने की स्थिति में 17 को अलवर बंद किए जाने की बात कही। वहीं इस मौके पर सुभाष अग्रवाल, सतीश भाटिया, पदम गोयल, जगदीश सिंगल, अशोक तनेजा, प्रमोद विजय सहित काफी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। मुकेश अग्रवाल जी की जो हत्या कर दी गई गोली मार करके, उसके संदर्भ में अलवर जिला व्यापार महासंघ ने खंडेलवाल धर्मशाला में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसमें संस्था के जिले के सभी अध्यक्ष और महामंत्री उस श्रद्धांजलि सभा में आए और सबने एक मत से कहा कि अगर सही अपराधी 16 तारीख तक नहीं गिरफ्तार हो तो 17 तारीख को अलवर बंद कर देना चाहिए, पूरे जिले को बंद कर देना चाहिए। हम सभी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, पूरी यूनियन हम आपके साथ हैं और 17 तारीख को अलवर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब अलवर में पिछले एक साल से रोज कोई ना कोई हत्या हो रही है, कोई ना कोई लूटपाट हो रही है, कोई ना कोई व्यापारी को मारा जा रहा है। इस संदर्भ में व्यापारियों में रोष है, व्यापारी बहुत भयभीत हो रहा है कि क्या करें। इसलिए प्रशासन से मैं ये कहना चाह रहा हूँ न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी सही अपराधी को गिरफ्तार कर ले, अन्यथा 17 तारीख को पूरे जिले को अलवर जिला व्यापार महासंघ के नेतृत्व में बंद करेंगे। आज अलवर जिला व्यापार महासंघ के एक भाई मुकेश जी अजगर का जो देहांत हुआ, उनके श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ पधारे, जिले से पधारे, शहर से सभी पधारे। उसमें निर्णय लिया गया, एसपी साहब से बात हुई थी कि अभी तक क्या हुआ, तो एसपी साहब ने कोई आश्वासन अभी नहीं दिया कि कोई गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन 1-2 दिन का टाइम मांगा है। तो उन एसपी साहब के 1-2 दिन के टाइम को देखते हुए ये निर्णय लिया गया मीटिंग के अंदर कि 16 तक प्रशासन को टाइम दिया जाए, 16 तारीख तक शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की, और वो भी मुजरिम असली होना चाहिए जिसने ये घटना की है, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। आए दिन व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है, व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है, व्यापारी में भय पैदा हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, कभी निमराना, कभी बहरोड, कभी अलवर, कभी राजगढ़, कभी खैरतल, ये छोटी घटनाएं नहीं है। व्यापारियों में बहुत आज गुस्सा देखा गया। व्यापारियों ने तो यहाँ तक का कहा था साहब टाइम क्यों दिया जाए, शीघ्र बंद की घोषणा की जाए कल से, तो हमने कहा साहब नहीं, एसपी साहब से मेरी बात हुई है खुद की और एसपी साहब ने कहा था हम लग रहे हैं, तो एसपी साहब के आश्वासन को देखते हुए हमने 2 दिन का समय दिया है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, और 16 तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 17 तारीख को पूरे अलवर जिले का बंद का आह्वान किया जाएगा।